फतेहाबाद के ज्वाड़ धर्मशाला में आज इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की ओर से कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में चौटाला ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनावों के लिए एकजुट होने और कमर कसने का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने जींद में हुए उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष पर वोट की खरीद फरोख्त करने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चीन में सभी दलों ने वोटों की खरीद फरोख्त की है। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला के भाषण में बीजेपी पर सीधा कटाक्ष देखने को नहीं मिला। अपने पूरे संबोधन के दौरान ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी पर सीधे कटाक्ष से बचते नजर आए। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों का आपस में विजय भी होता है, संगठन बनते हैं, समान विचारधारा के लोग उनका स्वागत किया। बच्चे कहने से बाहर हो गए हैं, समझाने की प्रयास किया जी। हमारी पार्टी बच्चों की पार्टी नहीं, हमारी पार्टी केजरीवाल जी का लगाया हुआ मुद्दा है। इसलिए इंडियन नेशनल मोमेंटम पार्टी में शामिल हम सभी का सीधा आरोप लगाया था पिछले चुनाव में टिकटें बेची गई थी अजय जी ने, उसको लेके आपकी क्या? उसके पास कोई सबूत होंगे तो आपकी जानकारी में? जानकारी में उस टाइम की कोई चौटाला साहब के उपचुनाव में पहुंच नहीं पाया, मुझे जाने नहीं दिया गया। लेकिन जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई है उसके मुताबिक बे इंतिया पैसा खर्च किया, 8-8 10-10 रुपये में वोट कर कईयों ने कईयों ने ठीक है जी। जेजीबी ने भी वोट खरीदे, सत्ता पक्ष के लोगों ने तो बे इंतिया पैसा। जेजीबी ने भी वोट खरीदे चौटाला साहब, बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही है, अकाली दल के साथ, अकाली दल के थ्रू होगा ये बात हो चुकी है चौटाला साहब। जब एक एक अलग अलग तो सारी पार्टियां मोदी को कोस रही है इकट्ठी हो गई, आपने एक शब्द भी नहीं बोला अपने भाषण में, क्या कोई संभावनाएं हैं? किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोला, कोई सामान्य डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टियों की बात की जा रही है। सरकार की प्रशासन की जो बात मैंने की है, क्या उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मोदी ने? क्या कोई थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है? फिर वही बात कर रही है, मैं आपकी से बात करके संगठनात्मक दृष्टि से आज सत्ता जो है तो सत्ता की दुर्भावनाओं का जो मैंने जिक्र किया, इस दुर्भावनाओं का सबसे बड़ा कर्णधार जो है वो मोदी नहीं रही।